हेलो एंड वेलकम टू 100% मैथ्स। हम कर रहे हैं क्लास 12 के लिए चैप्टर 7 दैट इज इंटेग्रल्स। तो लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट किया था इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज डेफिनेट इंटेग्रल्स, उनको कैसे सॉल्व करना है, और उसके बेसिस पे हमने एक्सरसाइज 7.8 के क्वेश्चन नंबर 12 तक सॉल्व किए थे। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको जाकर देखिए, उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज की वीडियो में करेंगे क्वेश्चन 13 से लेकर क्वेश्चन नंबर 22 तक, ठीक है, और इस एक्सरसाइज को करेंगे कंप्लीट। तो ये क्वेश्चंस जो हैं ये थोड़े लेंथी क्वेश्चंस हैं, और डेफिनेट इंटेग्रल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और इनडेफिनेट इंटेग्रल के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सो तरीका देखिएगा कैसे इनको सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है, तो पूरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो विद एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.8 के क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन के अंदर है एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, और हमारा अपर लिमिट और लोअर लिमिट क्या गिवन है, हमें 2 हमारा लोअर लिमिट गिवन है, 3 हमारा अपर लिमिट गिवन है। तो हम लास्ट वीडियो से क्या डिस्कस कर रहे हैं, डेफिनेट इंटेग्रल्स डिस्कस कर रहे हैं। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले हम इसे एज अ इनडेफिनेट इंटेग्रल लेकर ही सॉल्व करेंगे, और बाद में ये लिमिट्स पुट करके इसका आंसर निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें है हमारे पास x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो हमें पता है कि हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकते हैं यहाँ पर। तो हम यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t पुट करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, तो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x, 1 की 0 हो गई, t की क्या होगी विद रिस्पेक्ट टू dx, dt बाई dx बन गया। तो यहाँ से dx की वैल्यू निकाल लेते हैं, जैसे हम नॉर्मली सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हैं, बस वही कर रही हूँ मैं यहाँ पर, ओके। सो यहाँ पर dx की वैल्यू आ गई dt बाई 2x। तो इंटीग्रेशन के अंदर हम लिखेंगे x अपॉन, इसको हमने t माना था, dx की जगह पर आ जाएगा dt बाई 2x। तो x से x कैंसिल हो गया, ये 1 बाई 2 जो है दिस कम्स आउटसाइड क्योंकि ये कॉन्स्टेंट है, अंदर रह गया 1 बाई t विद रिस्पेक्ट टू dt। तो 1 बाई t की इंटीग्रेशन क्या होगी, log mod t, राइट। अब t की वैल्यू हम वापस यहाँ पर पुट कर देते हैं, 1 बाई 2 log mod of x square plus 1, ठीक है। तो हमने इंटीग्रेशन सॉल्व कर ली, तो अब हम अपनी लिमिट्स पुट करेंगे। तो हम अपना लेंगे 1 बाई 2 log mod of x square plus 1, ओके, और हम यहाँ पर लिमिट्स पुट करेंगे 2 नीचे और 3 ऊपर, ओके। सो अब यहाँ पर पुट करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1 बाई 2 को बाहर ही रहने देते हैं क्योंकि ये कॉन्स्टेंट ही है। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस लॉग ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 1, ओके। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, सो दिस वुड बी लॉग ऑफ 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 कितना हो गया 10 हो गया, माइनस लॉग ऑफ 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 कितना हो गया 5 हो गया। अब log m माइनस n वाला फॉर्मूला लग सकता है, दैट वुड बी log m बाय n, 10 बाई 5 हो गया। एंड इसको थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाई करें तो 1 बाई 2 log 2 जो है वो इसका आंसर है। तो मॉड हटा सकते हैं क्योंकि 2 इज ऑलवेज अ पॉजिटिव नंबर, ओके। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन करनी है हमें 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 5x स्क्वायर प्लस 1 विद रिस्पेक्ट टू dx। अब देखो ऊपर क्या है, एक लीनियर फॉर्म है, और नीचे क्या है, हमारी एक क्वाड्रेटिक फॉर्म है। तो मैंने आपको अच्छे से बताया हुआ है कि लीनियर बाय क्वाड्रेटिक को हमें कैसे सॉल्व करना है। अगर आपने इसका बेसिक नहीं समझा है तो ये वाला वीडियो जाकर ज़रूर देखिएगा, इसमें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो हम पहले विदाउट लिमिट्स इसको सॉल्व करेंगे, सो 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 5x स्क्वायर प्लस 1 विद रिस्पेक्ट टू dx। तो जब भी लीनियर बाय क्वाड्रेटिक फॉर्म हो तो हम क्या करते हैं, लीनियर फॉर्म को लिखते हैं, यानी कि 2x प्लस 3 इज इक्वल टू क्या लेते हैं, दो कॉन्स्टेंट्स लेते हैं a एंड b, जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होती है, और नीचे वाला जो क्वाड्रेटिक है उसकी डिफरेंशिएशन करते हैं। तो 5x स्क्वायर प्लस 1 की डिफरेंशिएशन करी प्लस b ले लिया, ओके। सो हम लीनियर इज इक्वल टू a डिफरेंशिएशन ऑफ द क्वाड्रेटिक प्लस b, इस तरह से लिखते हैं 2x प्लस 3 इक्वल्स टू a, इसकी डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी 10x हो जाएगी, प्लस 0 प्लस b, क्योंकि 1 की डिफरेंशिएशन 0 होती है। अब इसको सॉल्व करेंगे और हम यहाँ से a और b की वैल्यूज निकालेंगे, a 10x आ गया प्लस b आ गया। तो अब हम x वाली टर्म को x वाली टर्म के साथ कंपेयर करेंगे, 2x इज इक्वल्स टू a 10x, x से x कैंसिल हो गया, 2 बाई 10 इज इक्वल टू a,
सो ए की वैल्यू आ गई मेरे पास 1/5। अब बी की बारी है, सो बी को हम अपने कांस्टेंट टर्म से कंपेयर करेंगे, तो बी की डायरेक्ट वैल्यू आ गई 3 आ गई। ठीक है, तो ए की वैल्यू मिल गई और हमें बी की वैल्यू भी मिल गई। अब हमें लिखते कैसे हैं इसको, तो हम इस की इंटीग्रेशन को ऐसे लिख सकते हैं, इसको हमने क्या करा है, स्प्लिट कर लिया है, तो हम इसको लिखेंगे ए, ए कांस्टेंट है, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ, तो ए की हमारे पास ए के साथ क्या था, 10x था, 10x आ गया डिवाइडेड बाय हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्म 5x² + 1 विद रिस्पेक्ट टू dx। बी अकेला था, बी के साथ देखो कुछ भी नहीं था, बी के साथ क्या है, 1 है, सो 1 अपॉन हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन साथ में dx। तो हमने इसको किस से इस तरह से लिख लिया, इस तरह से लिख लिया है, इस चीज़ को हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो अब हमारे पास एक इंटीग्रेशन ये बन गई है, I1 बन गया और दिस इज़ आवर I2। ओके, तो हम बारी बारी से दोनों को सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा फिर हम उसमें लिमिट्स पुट करेंगे। ओके, सो मैं यहाँ पर सबसे पहले I1 को सॉल्व कर रही हूँ, सो I1 के अंदर क्या है, A इंटीग्रेशन ऑफ 10x अपॉन 5x² + 1 विद रिस्पेक्ट टू dx। तो आपको दिख रहा है कि अगर मैं 5x² + 1 की नीचे डिफरेंशिएशन करूँगी तो मेरा न्यूमरेटर बन जाएगा, तो दैट मीन्स आई कैन अप्लाई हेयर सब्स्टिट्यूशन मैथड। तो हमने क्या किया, 5x² + 1 यानी कि डिनोमिनेटर को t पुट कर दिया, तो इसकी डिफरेंशिएशन बन गई 10x इक्वल्स टू dt/dx, सो dx वुड बी dt/10x। ओके, सो ये मेरी बन गई। अब इंटीग्रेशन के अंदर क्या हो गया, a, a की वैल्यू हम बाद में पुट करेंगे, 10x डिवाइडेड बाय t और साथ में dt/10x। ओके, 10x से 10x कैंसिल हो गए, सो अंदर सिंपल रह गया 1/t dt, सो a log mod t। ओके, से ये आ गई इसकी इंटीग्रेशन, सो a की वैल्यू अब मैं यहाँ पर पुट कर रही हूँ 1/5 log t की वैल्यू भी वापस से पुट कर रही हूँ 5x² + 1। ठीक है, तो ये आ गई मेरे पास I1 की इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर मैं I2 को सॉल्व करूँगी, सो I2 है मेरे पास b, देन इंटीग्रेशन ऑफ 1/5x² + 1। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे पहले हम वो डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे 1/x² + a² वाली इंटीग्रेशन, प्री डिफाइंड इंटीग्रेशन यूज़ करेंगे, दैट वुड बी 1/a tan इनवर्स x/a प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, है ना, क्योंकि जब हम इंडेफिनिट इंटीग्रल सॉल्व कर रहे हैं तो साथ में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा, बट अब ये डेफिनेट है तो जब हम लिमिट्स पुट कर देंगे तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन अपने आप ख़त्म हो जाता है। ठीक है ना, तो अब यहाँ पर हम I2 को सॉल्व करेंगे। अब ये फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर x² का जो कोफिशिएंट है दिस इज़ 5, इसको पहले हटाना पड़ेगा, सो हम इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे और 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो देखो मैंने क्या किया, ये 5 से क्या करा, डिवाइड करा, और इसी में हम इसके साथ 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, और ये वाला जो 5 है मैं बाहर ले आती हूँ, ठीक है, b/5 हो गया, 1/ क्या रह गया, 5/5x² कितना हो गया, x² + 1/5। क्लियर है, तो हमने सिंपल क्या किया है, इसको जस्ट हमने सिंप्लीफाई करके लिखा है, सो b/5, आप चाहे तो b की वैल्यू भी साथ साथ पुट कर सकते हैं, x² इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, x² लिख सकती हूँ, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, 1/√5 का होल स्क्वायर। अब देखो ये इस फॉर्मेट में आ गया है, अब मैं फॉर्मूला अप्लाई कर सकती हूँ, सो b की वैल्यू आ गई 3/5 बन गया ये, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, मतलब फॉर्मूला पुट करेंगे, 1/a, a की वैल्यू क्या है यहाँ पर, 1/√5 tan इनवर्स x/1/√5। ओके, सो अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, 3/5, ये √5 ऊपर चला गया, tan इनवर्स, ये √5 भी ऊपर चला गया, तो tan इनवर्स √5x बन गया। ओके, और एक स्टेप और सिंप्लीफाई करेंगे, क्या हम ये वाला जो नीचे वाला 5 है इसको हम √5 × √5 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ताकि ये जो हमारा ऊपर वाला √5 है वो कैंसिल हो जाए,
सो अंडर रूट फाइव ये जो कैंसिल हो गए। कई बच्चे ना टैन इनवर्स के साथ जो ये वाला अंडर रूट फाइव है ना, ये वाला भी कैंसिल कराएंगे, बट ये नहीं कैंसिल कर सकते क्योंकि ये तो एंगल का है, ठीक है ना। सो ये बन गया 3/√5 टैन इनवर्स √5x, ठीक है। तो ये आ गया आपका I2 का आंसर। अब I1 + I2 करके आंसर लिखेंगे, फिर इसमें लिमिट्स पुट करेंगे। सो ये देखो, ये मेरा I1 का आंसर है, ये मेरा I2 का आंसर है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, सो I1 + I2 लिखना है। सो ये मैंने I1 पुट कर दिया, ठीक है, और साथ में 3/√5 टैन इनवर्स √5x ये मैंने I2 पुट कर दिया। अब मैं यहाँ पर लिमिट्स पुट कर रही हूँ, ओके। जस्ट अब पुट करो 1 और फिर 0 और दोनों मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दो। सो मैं यहाँ पर सबसे पहले 1 पुट करूँगी, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 पुट करूँगी। 5 × 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3/√5 टैन इनवर्स √5 × 1 माइनस 1/5 log mod of 5 × 0 square plus 1 minus 3/√5 tan inverse √5 × 0, okay। So ये आ गया मेरे पास अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे एंड विल द गेट द आंसर। सो 1/5 log 5 × 1 square 5 + 1 कितना हो गया 6, okay। आप चाहे तो इसमें से mod हटा भी सकते हैं, प्लस 3/√5 टैन इनवर्स √5, ओके, माइनस 1/5 लॉग, यहाँ पर 5 × 0 स्क्वायर 0 हो गया, 0 + 1 1 हो गया, ठीक है, माइनस 3/√5 टैन इनवर्स 0 हो गया, ओके। सो ये आ गया हमारे पास। अब इसका हम फाइनल आंसर लिख रहे हैं, 1/5 लॉग 6, ओके, प्लस 3/√5 टैन इनवर्स √5। लॉग 1 की वैल्यू भी 0 होती है और टैन इनवर्स 0 की वैल्यू भी 0 ही होती है। सो यहाँ पर ये टर्म भी 0 बन गई, ये टर्म भी 0 बन गई। सो हमारा फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1/5 लॉग 6 3/√5 टैन इनवर्स √5, ओके। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ आपको, लॉग 1 की वैल्यू भी 0 होती है और टैन इनवर्स 0 की वैल्यू भी 0 होती है, ठीक है ना। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1/5 लॉग 6 माइनस 3/√5 टैन इनवर्स √5। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। तो यहाँ पर देखो 0 to 1 एक्स ई की पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। तो हम पहले इसको एज अ इनडेफिनेट इंटेग्रल लेकर ही सॉल्व कर देंगे और लास्ट में पुट करेंगे लिमिट्स, ओके। अब तो यहाँ पर हम एक्स स्क्वायर को टी पुट कर रहे हैं, सो इसकी डिफ्रेंसिएशन होगी 2x = dt/dx। सो dx विल बी इक्वल्स टू dt/2x, ओके। सो इंटीग्रेशन के अंदर क्या हो गया, x e की पावर t बन गया क्योंकि x स्क्वायर को t पुट किया था, देन dt/2x हो गया। अब x से x कैंसिल और 1/2 जो है वो बाहर आ गया, इंटीग्रेशन के अंदर रह गया e की पावर t विद रिस्पेक्ट टू dt, ओके। अब e की पावर t की जो डिफरेंशिएशन है वो तो e की पावर t ही रहेगी, है ना। अब t की वापस से वैल्यू पुट कर देते हैं, 1/2 e की पावर x स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया हमारे पास 1/2 e की पावर x का स्क्वायर, राइट। अब हम इसकी क्या पुट करेंगे, लिमिट्स पुट करेंगे। सो 0 to 1, सो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, x की जगह पर पहले 1 का स्क्वायर हो गया, माइनस 1/2 e की पावर 0 की पावर 2, मतलब e की पावर 0 का स्क्वायर, ओके। तो अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, 1/2 e, 1 का स्क्वायर 1 ही होएगा तो e ही लिखेंगे, माइनस 1/2 e की पावर 0, e की पावर 0 यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर 1 बन जाएगा। सो 1/2 e माइनस 1/2 इंटू 1, सो 1/2 हम कॉमन ले सकते हैं, e माइनस 1 आ गया। सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। तो ऊपर है हमारे पास यहाँ पर 5x स्क्वायर और नीचे है हमारे पास x स्क्वायर + 4x + 3 विद रिस्पेक्ट टू dx, हमें इसकी इंटीग्रेशन करनी है।
तो यहाँ पर देखो वेरिएबल की पावर ऊपर भी 2 है, नीचे भी 2 है, तो ये तो एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब मैंने आपको बताया था कि हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस की इंटीग्रेशन कैसे करनी है। अगर आपको नहीं आती है तो ये वाला वीडियो जाकर ज़रूर देखिए, इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बाकी ये क्वेश्चन देखिए कैसे करना है आपको। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की इंटीग्रेशन करने के लिए पहले हमें इसे प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन में हम इसे कैसे चेंज करते हैं? बाय लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस। लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस का क्या मतलब है कि हम इसको नॉर्मली जैसे डिवाइड करते हैं वैसे हमें करना है। तो पॉलिनोमियल्स की डिवीजन हम लोगों ने क्लास 10th में स्टडी कर रखी होती है, ठीक है। तो 5x स्क्वायर को अंदर लिखेंगे, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 को बाहर लिखेंगे। अब x स्क्वायर को मुझे 5x स्क्वायर बनाना है, तो मैं किससे करूँगी? 5 से मल्टीप्लाई करूँगी, सो 5x स्क्वायर बन गया, बट ये पूरी टर्म 5 से मल्टीप्लाई होगी। तो 4x इंटू 5 कितना हो गया? 20x हो गया। 3 इंटू 5 कितना हो गया? 15 हो गया। साइंस करूँगी चेंज, ठीक है। अब 5x स्क्वायर तो कट गया, -20x -15 बचा। अब लिखने का तरीका, तो मैंने आपको बहुत सारी वीडियोस में पहले भी बताया है, लेट अस से हमें 5 को 4 से डिवाइड करना है। तो आप इसको जब डिवाइड करते हो तो यहाँ पर इस तरह से डिवाइड कर रहे हो, तो आप लिखते कैसे इसको? तो मैं इसको मिक्स फ्रैक्शन में इस तरह से लिखती हूँ, यानी कि मैं पहले ये लिखती हूँ, फिर मैं अपना रिमाइंडर, फिर मैं अपना कोशंट लिखती हूँ, ऐसे लिख सकती हूँ, या फिर इसको मैं इस तरह से भी लिख सकती हूँ। सो 1 इज अवर माई कोशंट, देन प्लस 1 इज माई रिमाइंडर डिवाइडेड बाई 4 इज माई डिविजर, है ना। इसी तरह से ऐसे यहाँ पर इसको लिखेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर। सो हम इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहे हैं 5x स्क्वायर अपॉन 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, इसी को सॉल्व कर रहे हैं। तो हम इसको कैसे राइट करेंगे, दैट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सबसे पहले लिखेंगे इसका कोशंट, ठीक है। तो मैंने लिख दिया कोशंट प्लस, जैसे मैं इस फॉर्म में लिखूंगी, फिर मैंने लिखा रिमाइंडर, तो ये मेरा रिमाइंडर है। सो आई एम गोना राइट -20x -15 डिवाइडेड बाई माई डिवीजर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप इसको किस तरह से लिख रहे हैं, ठीक है। सो हमने इसको इस तरह से लिख लिया। अब इंटीग्रेशन का सिंबल भी हम यहाँ पर लगा देते हैं और यहाँ पर dx भी लिख देते हैं, ओके। तो अब इंटीग्रेशन हो गई, अब इंटीग्रेशन अलग अलग कर लेते हैं। 5dx हो गई, ये तो सिंपल हो गई, और इंटीग्रेशन ऑफ -20x -15, और इसको हम फैक्टर्स में स्प्लिट कर लेते हैं। तो हमने इसको लिख दिया x प्लस 1 x प्लस 3, ये मैं अज्यूम कर रही हूँ भी आपको आता है इसको फैक्टर्स में स्प्लिट करना, ठीक है। अब मेरे पास दो इंटीग्रेशंस होगी, इंटीग्रेशन 1 एंड इंटीग्रेशन 2। हम इसको बारी बारी से सॉल्व करेंगे। सो इंटीग्रेशन 1 तो देखो बहुत ही सिंपल है, 5 इज़ ए कांस्टेंट, बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा 1, सो इसकी इंटीग्रेशन तो 5x आ गई, ये तो सॉल्व हो गया। नेक्स्ट हम I2 पे चलते हैं। सो I2 को मैं कैसे सॉल्व करूँगी? यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शंस, ठीक है। सो I2 है मेरा 20x -20x -15 अपॉन x प्लस 1 x प्लस 3, इसको मैं लिखूंगी a अपॉन x प्लस 1 प्लस b अपॉन x प्लस 3, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शंस की हेल्प से मैं इसको सॉल्व करूंगी। अब पार्शियल फ्रैक्शंस अगर कॉन्सेप्ट अगर समझना है तो ये वाला वीडियो भी जाकर आप देख सकते हो, ठीक है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए ये क्या बन गया आपका, -20x -15 इज इक्वल टू a इंटू x प्लस 3 हो गया, क्योंकि x प्लस 1 जब ये वाली टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो x प्लस 1 कट हो जाएगा, प्लस b इंटू x प्लस 1, यहाँ तक ओके है। अब मुझे a और b की वैल्यूज चाहिए, तो मैं रैंडमली x की कुछ वैल्यूज पुट करूँगी। तो पहले अगर मुझे a की वैल्यू चाहिए तो मुझे b 0 बनाना पड़ेगा, तो b के x की वैल्यू मैं -1 पुट कर रही हूँ। -20 -1 -15 इक्वल्स टू a इंटू -1 प्लस 3, यहाँ तक ओके, b तो 0 ही हो गया। -20 -1 20 हो गया, 20 -15 कितना हो गया? 5 इक्वल्स टू a इंटू 2, सो a की वैल्यू आ गई मेरे पास 5/2, राइट। दूसरी तरफ मुझे अब b की वैल्यू चाहिए, तो मुझे अब a को 0 करना है, तो मैं यहाँ पर x की वैल्यू -3 पुट कर रही हूँ। सो -20 इंटू -3 -15 इक्वल्स टू a तो हो गया 0 ही, प्लस b इंटू -3 प्लस 1,
तो माइनस माइनस प्लस हो गए, 60 माइनस 15 45 इक्वल्स टू 0 प्लस बी इंटू माइनस 2, सो माइनस 45 बाई 2 इक्वल्स टू बी। ठीक है, तो मेरे पास ए और बी की वैल्यूज़ आ गई हैं। सो मेरे पास अब ए की वैल्यू क्या आई है, 5/2, तो मैं इसको बाहर ले लेती हूँ 5/2, और अंदर मेरे पास बचा 1/(x+1) विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। बी की वैल्यू मेरे पास आई थी -45/2, ठीक है, तो मैं इसको इस तरह से लिख रही हूँ 1/(x+3) विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। सो इसकी जो इंटीग्रेशन आ गई वो क्या आ गई, लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस वन -45/2, और इसकी इंटीग्रेशन आ गई लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस थ्री। ठीक है, ये मेरा जो I2 था वो सॉल्व हो गया। अब मुझे लिमिट्स पुट करनी है, सो पहले मैं फाइनल आंसर लिखूंगी। सो I1 + I2 था, तो ये देखो हमारे पास I1 + I2 था, तो पहले मैं फाइनल आंसर लिख लेती हूँ। I1 तो सिर्फ 5x था, तो मेरे पास फाइनल आंसर आ रहा है 5x + 5/2 log mod of x + 1 -45/2 log mod of x + 3, और लिमिट्स हमें यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन थे 1 से लेके 2 तक। ठीक है, सो पुट करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सो पहले 2 पुट करेंगे सारी x की जगह पर, सो log mod of 2+1 -45/2 log mod of 2+3, ये मैंने 2 पुट कर दिया सारी में, -5/(1) +5/2 log mod of 1+1 -45/2 log mod of 1+3। आप बस इसको सॉल्व कर लीजिए। सो ये आ गया आपके पास 10/5/2 log 3 -45/2 log 5 -5, और मैं इसके साइंस भी साथ साथ चेंज कर रही हूँ, 5/2 log 2 +45/2 log 4। तो अब हमारे पास ये आ गया, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 10 - 5 कितना हो गया, 5 हो गया। ये 5/2 log 3 है, ये 5/2 log 2 है, तो 5/2 मैं इन दोनों में से कॉमन ले लेती हूँ। अंदर मेरे पास बचेगा log 3 -log 2। ओके, अब यहाँ पर है -45/2 log 5, 45/2 log 4, तो माइनस मैंने कॉमन ले लिया और साथ में 45/2, तो यहाँ से आ गया log 5 अंदर और माइनस log 4 आ गया। सो दिस इज़ 5 + 5/2, सो log m माइनस n वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो log 3/2 बन जाएगा, -5/45/2 log यहाँ पर बन गया 5/4। अब इन दोनों टर्म्स में से आप क्या कॉमन ले सकते हो, आप ले सकते हो 5/2 जो है वो कॉमन ले सकते हो, तो अंदर क्या आ गया हमारे पास, log 3/2 -9 log 5/4, सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। तो यहाँ पर 0 to π/4 2 sec² x + x³ + 2 विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। तो देखो ये सिंपल ही है, तीनों में प्लस ही है, हम इसकी इंटीग्रेशंस पहले डिफरेंट कर लेते हैं, मतलब अलग अलग कर लेते हैं। 0 to π/4 2 sec² x विद रिस्पेक्ट टू x हो गया, प्लस 0 to π/4 x³ विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स हो गया, 0 to π/4 2 विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स हो गया। इंटीग्रेशंस अलग अलग कर ली, ठीक है, तो हम यहाँ पर 2 बाहर लेंगे, सीकेंड स्क्वायर की हमारी इंटीग्रेशन होती है tan x, सो हम लिमिट्स पुट कर देंगे 0 to π/4। एक्स क्यूब की इंटीग्रेशन क्या होती है, x⁴/4, तो 0 to π/4, 2 तो कांस्टेंट ही है, अंदर 1 रह जाएगा, उसकी इंटीग्रेशन x हो गई, तो 2x 0 to π/4। ठीक है, बस अब अपनी जो लिमिट्स हैं वो पुट कर दीजिए, 2 बाहर है, tan π/4 -tan 0 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, x⁴/4, तो π/4 पुट करेंगे, 1/4 जो है मैं वो बाहर ले लेती हूँ, π/4 -0 4 +2 बाहर आ गया, π/4 -0। अब इसको हम सिर्फ सॉल्व करेंगे, tan π/4 क्या होता है, 1 -0 हो गया, +1/4 ये क्या बन जाएगा, π/4, ठीक है, और 4 की पावर 4 क्या होता है, 256, -0 की पावर 4 तो 0 ही होगा, 2 × π/4। अब इसको एक स्टेप और सिंप्लीफाई करेंगे, 2 × 1 - 0 2 ही रह गया, प्लस
अब पाई बाय 4 हो गया डिवाइडेड बाय 256 इंटू 4, वो हो जाएगा 1024, ठीक है। और साथ में आ गया 2 से 4 कैंसिल हो गया, सो दिस विल बी पाई बाय 2। सो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। सो नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। तो यहाँ पर है इंटीग्रेशन 0 टू पाई साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। अब यहाँ पर पहले हमें थोड़ा सा इसको क्या करना पड़ेगा, मॉडिफाई करना पड़ेगा, और फिर हम इसकी इंटीग्रेशन सिंपली सॉल्व कर पाएंगे। तो 0 टू पाई साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 को मैं लिख सकती हूँ 1 माइनस कॉस एक्स बाई 2 लिख सकती हूँ इसको, ठीक है। ऐसे ही इसको लिख सकती हूँ 1 प्लस कॉस एक्स बाई 2 लिख लिया विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। तो यहाँ पर अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो मेरे पास क्या बचेगा, देखो बहुत सिंपल हो जाएगा, 1 माइनस कॉस एक्स माइनस 1 माइनस कॉस एक्स, ठीक है, नीचे 2 मैंने कंबाइन कर दिया, ओके, विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। अब देखो कॉस एक्स और कॉस एक्स ऐसे ही रहेंगे, 1 और 1 जो है वो कैंसिल हो जाएंगे, तो बचा गया माइनस 2 कॉस एक्स बाई 2, ठीक है। तो सिंपल मेरे पास क्या बचेगा, यहाँ पर सिर्फ कॉस एक्स बचेगा, माइनस मैंने बाहर निकाल दिया और मेरे पास इंटीग्रेशन के अंदर बचा सिर्फ कॉस एक्स। कॉस एक्स की इंटीग्रेशन तो मुझे अच्छे से पता है, दैट इज़ साइन एक्स, तो यहाँ पर आ गया माइनस ऑफ साइन एक्स। माइनस पहले से ही बाहर था, कॉस एक्स की इंटीग्रेशन साइन एक्स होती है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर 0 टू पाई इसकी लिमिट्स पुट कर सकती हूँ, तो माइनस मैं बाहर ही रखती हूँ, साइन पाई माइनस साइन 0, साइन पाई की वैल्यू 0 ही होती है, साइन 0 की वैल्यू भी 0 होती है, माइनस ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 0। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। तो 0 टू 2 6x एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 बाई विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। अब देखो लीनियर फॉर्म है और नीचे क्या है, क्वाड्रेटिक है, तो जैसे मैंने सॉल्व किया था वैसे हम इसको कर सकते हैं, या फिर अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसकी इंटीग्रेशंस अलग अलग करके भी इसको सॉल्व कर पाएंगे। देखो 0 टू 2 6x एक्स अपॉन एक्स प्लस 4 विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, एक ऐसे भी कर सकते हैं, 0 टू 2 3 अपॉन एक्स प्लस 4 विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, एक तरीका ये करने का है, और एक तरीका जो मैंने लीनियर बाय क्वाड्रेटिक फॉर्म किया था वैसे भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं अब इस तरीके से करके दिखा देती हूँ आपको। तो सबसे पहले हम आई 1 सॉल्व करेंगे एंड देन वी विल सॉल्व आई 2 और फिर हम लिमिट्स पुट करेंगे, ओके। तो मैं अभी फ़िलहाल के लिए ये लिमिट्स हटा देती हूँ, ठीक है। तो आई 1 सॉल्व करने के लिए मैं क्या करने जा रही हूँ, जो नीचे वाला हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 4 है इसको टी पुट करूँगी, यानी कि मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करने जा रही हूँ। सो मैं पुट करूँगी एक्स स्क्वायर प्लस 4 को टी। सो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 2x इक्वल्स टू डी टी अपॉन डी एक्स, तो डी एक्स की वैल्यू आ गई यहाँ पर डी टी अपॉन 2x, ओके। सो इंटीग्रेशन 6x अपॉन इसको टी पुट किया था डी टी अपॉन 2x, x से x कैंसिल, 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा 6, तो 3 बाहर आ गया, अंदर बचा 1 बाई टी विद रिस्पेक्ट टू डी टी। सो इसकी इंटीग्रेशन आ गई 3 log mod of t, t की वैल्यू वापस से पुट कर देंगे mod के अंदर, दैट इज़ x स्क्वायर प्लस 4। तो देखो इजीली सॉल्व हो गया, लिमिट्स में बाद में पुट करूँगी। आई 2 को भी कर लेते हैं सॉल्व पहले, ठीक है। आई 2 क्या है, आई 2 के ऊपर देखो ये तो 3 जो है वो कॉन्स्टेंट ही है, वो बाहर आ जाएगा, अंदर बचा मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 4 विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। अब देखो ये जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो हम अपनी प्री डिफाइंड इंटीग्रेशन यूज़ करेंगे, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, 1 अपॉन ए टैन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये तो हम सीधा ही अप्लाई कर सकते हैं, देखो है ना, तो इसमें तो कोई इशू भी नहीं है। 3 इंटू 1 बाई 2 हो गया, क्योंकि 1 बाई ए 1 बाई 2 हो गया, टैन इनवर्स एक्स अपॉन 2, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। तो हमारे पास इसका आंसर आ गया 3 बाई 2 टैन इनवर्स एक्स बाई 2, ठीक है। अब हम आई 1 प्लस आई 2 को कंबाइन करेंगे और अपनी लिमिट्स पुट करेंगे। सो आई 1 का आंसर है मेरे पास 3 log mod of x square plus 4, ठीक है, प्लस 3 बाई 2
टैन इनवर्स एक्स बाय टू, ठीक है। लिमिट्स हैं हमारे पास 0 to 2, पुट करो वैल्यूज, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो पहले मैं 2 पुट कर रही हूँ, सो 2 का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 3 बाय 2 टैन इनवर्स 2 बाय 2 माइनस 3 लॉग मॉड ऑफ 0 स्क्वायर प्लस 4 माइनस, मैंने पहले साइन चेंज कर दिया है, 3 बाय 2 टैन इनवर्स 0 बाय 2, ठीक है। तो अब इसको हम सिंप्लीफाई सिंपल कर लेंगे, 3 लॉग 4 प्लस 4 कितना हो गया 8 प्लस 3 बाय 2 टैन इनवर्स 2 बाय 2 इज 1, ओके, माइनस 3 लॉग 4 क्योंकि 0 का स्क्वायर 0, 0 प्लस 4 4 हो गया, माइनस 3 बाय 2 टैन इनवर्स 0। अब देखो काफ़ी सारे की वैल्यूज़ जो हैं वो 0 ही आएंगी, देखो 3 लॉग 8 हो गया और 3 लॉग 4 को कंबाइन कर लो, ठीक है ना। हम यहाँ पर लिखेंगे फॉर्मूला, सो 3 लॉग 8 माइनस 3 लॉग 4 को मैंने कंबाइन कर लिया, प्लस 3 बाय 2 अंदर बचा मेरे पास टैन इनवर्स 1 माइनस टैन इनवर्स 0, है ना। अब यहाँ पर फॉर्मूला लगा दो, 3 लॉग एम अपॉन एन मतलब 8 बाय 4 हो गया, प्लस 3 बाय 2 टैन इनवर्स 1 की वैल्यू 5 बाय 4, टैन इनवर्स 0 की वैल्यू 0, पुट कर दिया वैल्यूज, सो 3 लॉग 2 आ गया इसका, प्लस 3 बाय 2 इंटू पाई बाय 4। तो इसको एक और स्टेप लिखेंगे, 3 लॉग 2 प्लस 3 पाई बाय 8, सो दिस इज़ द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। तो 0 to 1 एक्स ई की पावर एक्स प्लस साइन पाई एक्स बाय 4 विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। तो देखो हम पहले इसके इंटीग्रेशंस जो हैं वो अलग अलग कर लेते हैं थोड़ा समझने के लिए कि कैसे सॉल्व करना है इसको। साइन पाई एक्स बाय 4 विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, ओके। अब देखो ये वाला क्या है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व कर सकते हैं, और ये वाले की तो सिंपल ही है, ठीक है ना। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, पहले आई वन और इसको लेंगे आई टू। तो मैं लिमिट्स जो हैं वो फ़िलहाल के लिए हटा देती हूँ, ठीक है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से इसको सॉल्व करूँगी, सो आई वन। सो अगर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला कॉन्सेप्ट समझना है तो ये वाला वीडियो आप जाकर देख सकते हैं, ओके। सो एक्स ई की पावर एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। तो पहले सबसे पहले क्या करना होता है, इसको फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन बताना होता है अकॉर्डिंग टू द आइलेट रूल। तो ये एल्जेब्रिक है और ये एक्सपोनेंशियल है, सो हम फर्स्ट फंक्शन हमेशा एल्जेब्रिक को लेंगे और एक्सपोनेंशियल को बाद में लेंगे अकॉर्डिंग टू द आइलेट रूल। क्या करते हैं हम इसमें, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, ठीक है, सेकेंड फंक्शन की इंटीग्रेशन, तो e की पावर x dx हो गया, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, यानी कि फर्स्ट फंक्शन हमारा x है तो इसका डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x विद रिस्पेक्ट टू dx और पूरे की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, ओके। सो अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ई की पावर एक्स आ गए यहाँ पर, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स दैट इज़ वन, एंड साथ में ई की पावर एक्स हो गया विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। सो ये आ गया एक्स ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स, ओके। तो ये आ गई मेरी आई वन की इंटीग्रेशन। अब मैं आई टू को सॉल्व कर लेती हूँ, सो आई टू है मेरे पास साइन पाई एक्स बाय 4। तो साइन एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, कॉस एक्स होती है, माइनस ऑफ कॉस एक्स होती है, तो वही करेंगे हम, माइनस ऑफ कॉस पाई एक्स बाय 4। अब यहाँ पर सिंपल एक्स नहीं है, पाई एक्स बाय 4 है, अब इसकी इंटीग्रेशन भी बनती है, सो पाई एक्स बाय 4 की क्या हो जाएगी, पाई बाय 4 हो जाएगी और वो डिनोमिनेटर में आएगी। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, तो ये 4 बाय 5 रेसिप्रोकेट हो गया और साथ में मेरे पास है कॉस पाई एक्स बाय 4, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब हम आई वन और आई टू में लिमिट्स पुट करेंगे, सो आई वन था मेरे पास एक्स ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स और लिमिट्स थी हमारे पास 0 to 1। देन प्लस था आई टू क्या है, माइनस 4 बाय पाई है, वो कॉन्स्टेंट ही है, पाई एक्स बाय 4 और 0 to 1। अब लिमिट्स पुट कर देते हैं, सो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो पहली बार में 1 पुट करा, सो 1 ई की पावर 1 माइनस ई की पावर 1,
ठीक है, माइनस अब ज़ीरो इंटू ई की पावर ज़ीरो माइनस ई की पावर ज़ीरो, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दिया, माइनस फोर बाय पाई, तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस पाई बाय फोर माइनस कॉस पाई इंटू ज़ीरो बाय फोर इज़ ज़ीरो ओनली, ओके। अब यहाँ पर क्या बचा, देखो ई और ई कैंसिल हो गया, ई माइनस ई हो गया, यहाँ पर मेरे पास ई की पावर ज़ीरो वन होता है तो वन इंटू ज़ीरो ज़ीरो ही हो जाएगा, तो ये भी ज़ीरो हो गया, तो ई की पावर ज़ीरो बचा, तो मेरे पास यहाँ पर सिर्फ वन आएगा, ठीक है ना। सिर्फ ये वाला फैक्टर बचा, ये वाला फैक्टर भी ज़ीरो हो गया, ये दोनों भी कैंसिल हो गए, ओके। देन मेरे पास यहाँ पर आया माइनस फोर बाय पाई, कॉस पाई बाय फोर की वैल्यू होती है वन बाई अंडर रूट टू, और कॉस ज़ीरो की वैल्यू होती है वन, ठीक है। तो यहाँ पर पुट करूँगी वन माइनस, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, फोर बाई अंडर रूट टू पाई, और फोर बाय पाई इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, फोर बाय पाई हो गया, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, हम सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, ये वाला जो फोर है ऊपर वाला, इसको हम लिखेंगे, ये वाला जो फोर है इसको हम लिखेंगे, देखो कैसे लिख रही हूँ मैं, टू इंटू टू लिख सकती हूँ, ठीक है, लिख सकती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में इसको एक और तरीके से लिख रही हूँ, इस टू को अब मैं अंडर रूट टू इंटू अंडर रूट टू लिख सकती हूँ, लिख सकती हूँ, राइट। तो ये अंडर रूट टू, ये अंडर रूट टू से कैंसिल हो जाएगा। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज वन माइनस टू अंडर रूट टू बाय पाई प्लस फोर बाय पाई, ठीक है। तो ये आ गया इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 और 22, दैट आर एमसीक्यूज ओनली, तो बहुत सिंपल हैं। तो डी एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, वॉट इज़ द इंटीग्रेशन ऑफ दिस, हमें पता है टैन इनवर्स एक्स, ठीक है। तो टैन इनवर्स एक्स इसकी इंटीग्रेशन है, हम अपनी लिमिट्स पुट करेंगे क्योंकि हम डेफिनेट इंटेग्रल्स सॉल्व कर रहे हैं। सो टैन इनवर्स अंडर रूट थ्री माइनस टैन इनवर्स वन, अब टैन के कौन से एंगल की वैल्यू अंडर रूट थ्री होती है, दैट इज़ पाई बाय थ्री, टैन 60 की वैल्यू होती है, टैन की कौन सी वैल्यू 1 होती है एंगल की, तो पाई बाय फोर। सो पाई बाय थ्री माइनस पाई बाय फोर सॉल्व कर लीजिए, फोर पाई माइनस थ्री पाई इक्वल्स टू पाई बाय 12, तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे, तो ये लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का भी और आज की एक्सरसाइज का भी। तो 0 टू 2 बाई 3 डी एक्स अपॉन 4 प्लस 9x स्क्वायर, तो देखो 4 किसका स्क्वायर है 2 का, 9x स्क्वायर किसका स्क्वायर है 3x स्क्वायर का। तो यहाँ पर ना हम एक प्री डिफाइंड इंटीग्रेशन यूज़ कर सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन, दैट इज़ इक्वल टू 1 अपॉन ए टैन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इसको यूज़ कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर 9 है, इसको पहले हटाना पड़ेगा, तो मैं पहले ऐसे लिख रही हूँ इसको, 4 प्लस 9x स्क्वायर विदाउट लिमिट्स मतलब। तो अब यहाँ पर 9 हटाने के लिए 9 से मल्टीप्लाई 9 से डिवाइड करना पड़ेगा, ओके। सो 4 प्लस 9x स्क्वायर को 9 से डिवाइड कर दिया और 9 से ही मल्टीप्लाई कर दिया, स्टेप समझ आया। अब ये वाला जो 9 है इसको हम बाहर ले आते हैं, सो 1 अपॉन 9 जो है वो बाहर आ गया, सो अंदर रह गया डी एक्स अपॉन 4 बाई 9 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये वाला जो 9 था इस 9 के साथ कट गया, ये 4 बाई 9 बन गया, ओके बन गया, ये फॉर्मेट में बन गया। तो अब हम अपना फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, उससे पहले एक स्टेप और करेंगे, दैट इज़ 2 बाई 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, और एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। अब आप अपना फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ए की जगह पर है 2 बाई 3, एक्स की जगह पर एक्स ही है, सो दिस वुड बी 1 बाई 9 इंटू 1 बाई ए, यानी कि 1 बाई 2 बाई 3 टैन इनवर्स एक्स अपॉन ए, एक्स अपॉन 2 बाई 3, है ना। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, 1 बाई 9 तो ये हो जाएगा 3 बाई 2 टैन इनवर्स 3x बाई 2, 3 वन्स आर 3, 3 इज़ आ 9, सो 1 बाई 6 हो गया टैन इनवर्स 3x बाई 2, ये आ गई इसकी इंटीग्रेशन। अब हम अपनी लिमिट्स पुट करेंगे, सो हमारी इंटीग्रेशन है 1 बाई 6 टैन इनवर्स 3x बाई 2, और इसकी जो लिमिट्स हैं वो हैं 0 टू 2 बाई 3। सो लिमिट्स पुट करिए, 1 बाई 6 को बाहर ही रहने दीजिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 3 इंटू 2 बाई 3 बाई 2 माइनस
tan inverse 3 into 0 by 2. सो हमने पुट करी, tan इनवर्स ये बन गया हमारे पास 2 बाई 2 हो गया 1 माइनस tan इनवर्स 0. तो अब tan की कौन से एंगल की वैल्यू 1 होती है, दैट इज पाई बाय 4. tan की कौन सी वैल्यू एंगल की वैल्यू 0 होती है, 0. tan 0 इज 0, सो 1 बाय 6 इंटू पाई बाय 4 माइनस 0. सो ये आ गया मेरे पास पाई बाय 24. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है.